अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं कि आपके जो YouTube पे व्यूअर हैं वो कहां से आ रहे हैं, आपको किस तरीके से, यानी वो आप उनके सर्च में आ रहे हैं और आप वो कैसे ढूंढ कर देख रहे हैं, यानी सोर्सेज क्या हैं आपकी वीडियो तक आने के लिए उनको, या आपके चैनल तक आने के लिए। ये सब देखने के लिए आपको YT स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। आप इसको YT स्टूडियो को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने जो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में थ्री लाइन आ रही हैं आप इनको क्लिक कर लें। इनको क्लिक करने के बाद आप आ जाएं एनालिटिक्स पे। यहाँ पर इसको क्लिक कर रहे हैं और ऊपर आप देखें फर्स्ट पे है ओवरव्यू और इसके साथ है डिस्कवरी। तो आपने यहाँ पे डिस्कवरी को क्लिक करना है। डिस्कवरी को क्लिक कर लिया। डिस्कवरी को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैफिक सोर्स टाइप, यानी जो आपके YouTube पे, आपके चैनल पे या आपकी वीडियो पे ट्रैफिक आ रही है उसके सोर्सेज क्या हैं, किस तरह से वो आ रही है। आप इसको क्लिक करें तो आपके सामने ये पूरा पेज इस तरह खुल जाएगा। तो सबसे पहले है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट से ये है कि जो आपने अपने चैनल में प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई हैं वहाँ से आपको, जो आपकी प्लेलिस्ट देख रहा है आदमी, वहाँ से आपको मिल रहे हैं कितने व्यूअर, 29%। नीचे है चैनल पेजेस, यानी जो आपके चैनल के पेज चल रहे हैं यहाँ पे, जो वहाँ से व्यूअर आ रहे हैं वो हैं 14%। इसके नीचे आ जाएं, नीचे है ब्राउज फीचर, ये ब्राउज फीचर से आपको मिल रहे हैं 13%। ब्राउज फीचर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि ब्राउज फीचर क्या चीज़ है, ये कहाँ से ये व्यूअर आ रहे हैं। ब्राउज फीचर असल में ये है कि जैसे आप देखें यूट्यूब पे चले जाएं, यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करें यूट्यूब पे। अभी देखें जैसे ये यहाँ पे हम इसको ऊपर नीचे चला रहे हैं, रेंडमली देख रहे हैं, इस तरह करते हुए जैसे कोई वीडियो सामने आ जाएगी तो उसको प्ले कर लेता है। जैसे मैंने इसको प्ले कर लिया, इसको प्ले करने पे जो भी है ये आ जाएगा ब्राउज फीचर में, इसको बोलते हैं ब्राउज फीचर। वापस चलते हैं YT स्टूडियो में। इसके आगे है नोटिफिकेशन, यानी नोटिफिकेशन से आपको कितने व्यूअर मिलते हैं, 10%। यानी जिसके पास आपका जो सब्सक्राइबर है नोटिफिकेशन गया तो उसने उसको क्लिक किया, जो सामने वीडियो आई तो उसने उसको देखा, तो इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन वाला। आगे है सजेस्टेड वीडियो। सजेस्टेड वीडियो क्या होता है? सजेस्टेड वीडियो होती है, यूट्यूब पे चलते हैं, यानी जैसे ये वीडियो हमने प्ले की है, इस वीडियो को प्ले करने के बाद जैसे ये हमने अभी प्ले की और इसके नीचे यहाँ पे एक साइड में लिखा होगा और नीचे ये वीडियो होगी, जैसे ये वाली वीडियो है तो सामने साथ में लिखा होगा सजेस्टेड वीडियो, यानी वो वीडियो आपकी प्रमोट हो रही है यूट्यूब की तरफ से और वही वीडियो आपकी रैंक हो जाएगी। ये है सजेस्टेड वीडियो। चलें वापस YT स्टूडियो में। इसके आगे है प्लेलिस्ट पेजेस, यूट्यूब सर्च, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यूट्यूब सर्च, ये YouTube सर्च ये है कि जैसे आप YouTube पे YouTube की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और ऊपर जाके लिखते हैं उसके ऊपर स्पेशल किसी का चैनल का नाम, किसी गुलकार का या किसी सॉन्ग का कुछ लिखते हैं, तो जो वहाँ से सर्च करके आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं YouTube सर्च। आगे हैं अदर YouTube फीचर, ये यहाँ से मतलब ये 2% आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मतलब कि जैसे मेरी वीडियो का कोई लिंक है वो मेरे किसी फ्रेंड ने या मैंने खुद किसी को दे दिया व्हाट्सएप पे या किसी और जगह पे, तो उसने वहाँ से जाके उसको कॉपी करके पेस्ट करके आके तो प्ले किया, तो जो यहाँ से व्यूअर आएंगे वो हैं अदर यूट्यूब फीचर। इसके बाद अगला है दोस्तों एक्सटर्नल, ये यानी मेरी वीडियो जो पूरी की पूरी वीडियो कहीं किसी भी वेब पे चली
या व्हाट्सएप में भेज दी या किसी को मैसेंजर में भेज दी, तो जो वहाँ से चलेगा जो व्यू आएंगे उसको बोलेंगे एक्सटर्नल। ये वो चीज़ है एक्सटर्नल, यहाँ से आपको व्यू मिलते हैं। आगे है डायरेक्ट और अननाउन। डायरेक्ट और अननाउन ये भी वही है कि यानी आपने अपना किसी को लिंक दिया है तो उसने जो लिंक से उठा के वहाँ से उठा के आपके यूट्यूब एप्लीकेशन में जाके पेस्ट करके आपकी वीडियो देखी, ये डायरेक्ट और अननाउन है। आखिर में लास्ट में है एंड स्क्रीन। आपने अक्सर मेरी वीडियो देखते हुए देखा होगा कि लास्ट में वीडियो के 10 सेकंड 20 सेकंड पहले दो छोटी छोटी स्क्रीन लेफ्ट राइट में शो हो जाती हैं, उनके ऊपर वीडियो का थंबनेल सामने शो हो जाता है, जो वहां से प्ले करेगा वो है एंड स्क्रीन। यानी एंड स्क्रीन से वहां से आपको जो व्यूअर मिल रहे हैं वो ये चीज़, यही सोर्सेज हैं मेरे दोस्तों आपके यानी यूट्यूब पे वीडियो के व्यू आने के। कितने व्यूअर किस तरह आते हैं वो यहीं से आप जाके देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर फिर भी इसमें आपके जहन में कोई सवाल पैदा हो रहा है जो मुझसे छूट गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो के साथ हाज़िर होता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।